नमस्कार, मैं संदीप कुमार सिंह, समाहर्ता, दादरा एवं नगर हवेली। आज सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज दिनांक 21 अप्रैल 2020, अभी तक हमारे दादरा एवं नगर हवेली में आज के दिन कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, और जितने भी सैंपल्स हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट हुए थे वो सारे सैंपल्स जो हैं अभी नेगेटिव पाए गए हैं। अभी आज के बाद हम लोग एक इंटेंसिव स्क्रीनिंग पूरे दादरा नगर हवेली में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि कई जगहों से कई एरियाज में सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उन सब की भी जो है टेस्टिंग होगी, जिससे कि बाकी सब एरियाज़ में भी हम लोग जो है हमें जान पाएंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं। अभी मैं आपको ये बता दूँ कि हम दो जिले हैं, खासकर पालघर और वलसाड़, वहाँ पर अभी कुछ केसेस मिले हैं। पालघर में काफ़ी केसेस हैं, लेकिन वो हमारे बॉर्डर से थोड़े दूर पे हैं, और गुजरात में भी जो हमारे वलसाड़ में केसेस हैं वहाँ पर 3 केसेस कल मिले हैं। लेकिन आप सभी लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन ने बहुत ही एहतियात बरता है और हमारे जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील्ड है। किसी भी आने जाने को लेकर जो है यहाँ पर कोई भी तरीके का मूवमेंट जो है हम लोगों ने बॉर्डर के पास में रोका हुआ है। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश भी है कि आप भी अपने एरियाज़ में, जो खासकर बॉर्डर के एरियाज़ में रहते हैं, अलर्ट रहें। हमारे कई ऐसे पोरस एरियाज़ हैं या हमारे जंगल के रास्ते हैं जिनसे कि आवागमन होने के चांसेस होते हैं। उन सभी जगहों पर हमने पुलिस फोर्स और फॉरेस्ट गार्ड, बीट गार्ड और लेबरर्स की हमने तैनाती कर दी है, ताकि कि उन सब एरिया से जो है कोई भी यहाँ पे ना आ पाए, और हमने एडिशनल फोर्स के माध्यम से भी जो है अपने पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी हुई है। मेरा आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप भी अपने एरियाज में निगरानी रखें, चौकसी रखें, चौकन्ने रहें, और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि आपके सामने आती है जिसमें कि कोई बाहरी व्यक्ति पाया जाता है, आप उसे जो है हमारे पास, जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारा थाना है, या जो मेडिकल की टीम है, आप उन्हें बताएं, जो सेक्टर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं आप उन्हें बताइए। इसके साथ ही जो हमारा नरोली गांव, जहां पर कि कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, वहां पर हमारा इंटेंसिव स्क्रीनिंग अभी भी जारी है और वहां पर भी कोई केसेस हमें अभी नहीं मिला है, और वहां पर जो कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजी है वो 28 दिन तक जो है वो बरकरार रहेगा, और उसमें जो है थोड़ी बहुत छूट जो एग्रीकल्चर के लिए जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें दी जाएगी। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ का भी जो है खुलना, अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल इंडस्ट्रीज़, वो चालू हो गया है। हमने परमिशंस और पासेस देना चालू कर दिया है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हम इंडस्ट्रीज़ को परमिशन देंगे, ताकि लेबर्स का मूवमेंट या इंडस्ट्रीज़ में जो है काम वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो, और एकाएक पूरा प्रेशर जो है लॉकडाउन के जो हमने नियम जो लिए हैं उस पे उसके ऊपर ना आए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो रूरल एरियाज में स्टार्ट होनी है और इन सीटू कंस्ट्रक्शन जो अर्बन एरियाज में स्टार्ट होना है, इसका डिटेल गाइडलाइन भी स्टेट की तरफ से निकाला जा चुका है, लेकिन हमारे ज़िले में ये किस तरीके से कार्यरत होंगे जल्द ही उसके ऊपर जो है हम लोग डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन जो घोषित किया गया है पूरे देश भर में, इसका आप पालन करें, और हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हवेली, दादरा एवं नगर हवेली में ना आए। आप लोगों का सहयोग अभी तक बना हुआ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये सहयोग बना रहेगा। हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, उन तक राशन और खाना पहुंचाएं। जिन लोगों को बाहर निकलने में तकलीफ़ हो रही है, या फिर उनको होम डिलीवरीज के माध्यम से हम सुविधाएं पहुंचाएं, और जो भी आपकी परेशानियां हैं उसको 1077 कॉल सेंटर पे हम लोग दूर करें। प्रशासन पूरी तरीके से सजग है, तैयार है, ताकि कोई भी कोरोना वायरस का केस हमारे दादरा नगर हवेली में ना आए। धन्यवाद।